है। वासुदेव कृष्ण, आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम महाभारत।
मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। किसी वनवासी के चूहे में जलने वाली आग होगी तो सकते हो। इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मान का दंड मिलेगा। मैं पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ, स्वयं शुद्ध हूँ किंतु अशुद्धियों पर वास है। मैं मनुष्य नहीं, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। इस ये श्राप है यज्ञसेनी द्रौपदी। जाने से पहले मेरा ये कर्म सुन लो सब भजनों, मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इस काल धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ वह प्रपंच देखा, अंजलि के साथ क्या गया प्लान देखा, वो भी मान गए उनका अंत मृत्यु धारा रहेगी। कटे मस्तकों का मार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा।
संसार के लिए, धर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं भी जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। सौ भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर रात में बदल के हवा में उड़ा देता है। नारी शक्ति शक्तिशाली समाजस्य निर्माण करोती। तो सभी जी एक साथ बोले, श्रीमन भगवान वासुदेव कृष्ण की जय।